हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस मील मेवन। आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड ब्रिंजल, जैसे आप भरवा बैंगन भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने बैंगन को पहले से धो लिया था और अब हम इसमें नाइफ की हेल्प से कट लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसे इसमें एक कट लगाए या दो कट लगा के इस तरह से काट सकते हैं। देखिए, आप इस तरीके से ब्रिंजल को कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे ब्रिंजल्स में कट लगा लिए। और अब हम एक कढ़ाई में लेंगे तेल और इसमें हम बैंगन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे बैंगन हल्का सा कुक हो जाए। और एक अच्छा शाइन आ जाता है बैंगन पे। ये देखिए, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम इसे बंद कर देते हैं और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर और 2 प्याज को काट लिया है, जिसका हम मसाला बनाने वाले हैं। तो इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, एक दरदरा सा पेस्ट होना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल और अब हम उसमें ऐड करेंगे जीरा। तो मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है। अब हम इसमें जो टमाटर और प्याज का प्यूरी हमने बनाया था वो ऐड कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और आमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड किया है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मसाले को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है सब्जी मसाला और छोले मसाला। इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और ये मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है फ्राई। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इस मसाले को बैंगन के बीच में फिल करेंगे। तो आप बैंगन को इस तरह से फैला करके और उसके बीच में स्पून की हेल्प से मसाले को भर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कैसे भरा है। जितना ज़्यादा मसाला उतना बढ़िया टेस्ट आता है इसमें।
तो आप चाहे तो हाथ से या स्पून की हेल्प से इसके बीच में मसाले को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे बैंगन में मसाले को फिल कर लिया है। तो आप थोड़ी सी तेल डाल करके सारे बैंगन को इसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें मैंने मसाले को भुना था। उसी कढ़ाई में बैंगन को फिर से डाल दिया है और एक एक करके हम बैंगन को थोड़ी थोड़ी देर में पलट लेंगे ताकि बैगन सारे साइड से कुक हो जाए। और थोड़ी देर के लिए इसे लिड लगा के छोड़ देते हैं ताकि बैगन अच्छे से कुक हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं और अब देखिए बैगन कितने अच्छे से कुक हो चुका है। तो हम एक एक करके सारे बैगन को पलट लेते हैं और अब इस स्टेज पे मैंने इसमें घी ऐड किया है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच आप घी इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बैगन को पलट ले। तो ये देखिए हमारा भरवा बैगन बिल्कुल तैयार है। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।